शफ़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लाए हैं एक आसान सी बिरयानी और जल्दी जल्दी क्विकली बनाने वाली बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बिरयानी, ठीक है? बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए छोटे 3 अदरक के प्याज, 3 टमाटर, 1/2 कप दही, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। चलो बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है, उसमें 3 प्याज डाले हैं। जब प्याज इतने हल्के ब्राउन हो जाएं, तो उसमें आपने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है। फिर उसको हल्के हाथ से घुमा देना है आपने ऐसे करके। अब इसमें हम ऐड करेंगे नेशनल बिरयानी मसाला, ठीक है? अब इसमें हम वो ऐड कर देते हैं, ठीक है? ये हमने एक ही पैकेट डालना है 1/2 किलो के गोश्त में, और 4 अदद हमें इस तरह हरी मिर्ची चाहिए होंगी। इसके बीच में हम इस तरह कट लगा देंगे खारे में, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ठीक है? और शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने प्याज की तरफ। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें अपना ये पेस्ट डालेंगे, ठीक है? अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है? ताकि ये हल्की आंच पे भून के सारी चीज़ें इसमें पक जाए, ठीक है? अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। दस मिनट के लिए हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है? जी नाज़रीन, तो हम बड़े गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। अब जब टमाटर गल जाएगी तो उसके बाद हम इसमें बड़ा गोश्त डालेंगे। ये मैंने थोड़ा फ्रिज में रखा है, अभी थोड़ा ये जम गया है, जब तक ये पे गल जाएगा और तब तक टमाटर भी गल जाएंगे, ठीक है? जी वीवर्स, अभी 20 मिनट गुजर चुके हैं, हम अपने टमाटर का जायज़ा लेते हैं। अब देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं। टमाटर गलने के बाद हमने ये गरम मसाला पीस कर रखा है, ये हैं जावित्री के, जाफिल के फूल हैं, और ये जीरा लिया है हमने 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस में मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको थोड़ा और भून लें। जी व्यूअर्स, हमारा गोश्त गल चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें। अब इसमें हम ये गोश्त ऐड कर देते हैं। अब मज़ीद इसको हम 15 मिनट और पकाएंगे, और याद रहे कि गोश्त हमने बॉईल किया हुआ है, ठीक है? अब हम इसको मज़ीद 15 मिनट पकाएंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, ठीक है? हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है, ठीक है? अब इसको हम करते हैं चूल्हा बंद। तो अभी हम इसकी अगली रेसिपी को तैयार करते हैं, यानी कि चावलों को बॉईल करते हैं। आइए देखें, ये हमने पानी लिया है बिरयानी के लिए, ये हम चढ़ा लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं हसबी ज़रूरत नमक, ठीक है? मैंने जितने हिसाब से चावल इसमें डालने हैं उतने हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है, और इसमें हम डालेंगे चंद दाने जायफल के फूल, ठीक है? और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ठीक है? ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे चावल जब बॉयल हो तो वो आपस में चिपके नहीं, ठीक है? हमने ये चावल लिए हैं सुपर कर्नल चावल इसको कहते हैं, और ये 1.5 किलो चावल है, ठीक है? हम इसको अभी 10 से 5 मिनट के लिए भिगो देते हैं, जब तक हमारा पानी बॉयल हो जाएगा।
हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, ये चावल हमने भिगोए नहीं थे, ये चावल सिर्फ हमने धोए हैं, ठीक है, इसको भिगोना नहीं है आपने। अच्छा ये व्यूअर्स, चावल पानी में डालने के बाद एक ध्यान रहें कि जब तक इसमें बॉयल ना आए तब तक आप इसमें हल्की हाथ वाला चमचा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पानी के साथ जैसे ठंडा चावल डाल दें तो पानी के साथ नीचे वो चिपक जाते हैं, तो आपने इस तरीके से हल्का हल्का चम्मच थोड़ी एक दो मिनट के बाद हिलाते रहना है ताकि पानी में एक जोश आ जाए, फिर छोड़ दें। चावल चाणी है, अब ये हम बिरयानी का सारा इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, ऑयल वाली थोड़ी ज़्यादा नीचे रखनी है इस तरह, ठीक है, और अब इस तरह हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। इस तरह हमने इसकी तह लगानी है, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह कर लिया है। अब इसमें हम दोबारा सालन की इस तरीके से तह लगाएंगे, ठीक है, अब इस तरह इसके ऊपर हम और चावल डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी का कलर डाल देंगे, ठीक है, अब हम इसको दम पे चढ़ा देंगे, 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए चढ़ा देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी बिरयानी तैयार है, मज़ेदार सी बिरयानी, आप देख सकते हैं इतने अच्छे से दम हो चुकी है, ये देखें आप इसकी अच्छी सी प्लेटिंग करके हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी बिरयानी आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय।